ट्राइंगल एबीसी विद वर्टिसेस इज दिस, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। फाइन, तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया एबीसी, वर्टेक्स लिख लिए 2/2,3, 4, -1 एंड 1, 2। हमने वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, इसकी लेंथ भी चाहिए और इक्वेशन भी चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन के लिए तो हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए एंड स्लोप चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट इज ऑलरेडी देयर, एंड स्लोप कहाँ से निकलेगा, पहले हम स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे। स्लोप ऑफ बी सी कितना आ जाएगा, 2+1/1 -4, तो ये हो जाएगा 3/-3, आंसर -1। इसका मतलब है स्लोप ऑफ ए डी मिल गया, स्लोप ऑफ ए डी आ गया 1 के बराबर, बिकॉज लाइन परपेंडिकुलर है। और हमें इक्वेशन लिखनी है, y-3 इज 1 times x-2, यानी x-y+1=0। ये नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है मैम। ओके। 18 बताना है, जिसका डाउट है यस बोलो, वरना फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैम मुझे चाहिए था। निम्मय बोल यस रहा है, मैम, ओके निम्मय, वैसे मैंने कराया था, यू डोंट रिमेम्बर। इसका लेंथ अच्छा, लेंथ भी लेंथ देख लेते हैं। ठीक है, तो वो लेंथ में कुछ नहीं करना अभी। तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, कैसे निकालते हैं लाइन लाइन से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है ना हमें। और इससे बढ़िया देखो, दो तरीके हैं निकालेंगे, कैसे भी कर लो। तुम्हारे पास अगर इक्वेशन ऑफ ए डी है, और हम इक्वेशन ऑफ, सबसे पहले क्या लिख लें, एक बीसी लिख लें। अगर ये दोनों इक्वेशंस हम लिख लेंगे, क्योंकि हमें ये दोनों पॉइंट्स पता है, तो इक्वेशन ऑफ बीसी भी लिख सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ बीसी अगर आ जाएगी, तो फिर तो तुम्हें क्या करना है, दोनों को सॉल्व करो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी कि डी पॉइंट डी आ गया, तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। एरिया ठीक है, करके कर दिया था, एरिया निकाल। एरिया तो हाफ बेस हाइट। अच्छा, लेकिन फिर तुम्हें एरिया एक दूसरे तरीके से भी निकालना पड़ा होगा, लंबा हाँ पड़ेगा इससे। हाँ, वो थोड़ा लंबा था। और देखो एक और तरीका दिख रहा है मेरे को। पहले तो तुम इक्वेशन ऑफ बीसी लिख लो, इक्वेशन ऑफ बीसी लिखने के बाद परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला लगा दो, AX1BY1 वाला फॉर्मूला। ठीक हाँ मैम, हाँ है, हाँ बोलो बोलो, फटाफट बोलो। मैम 12th वाला भी था ये, आप इसमें। अच्छा, ये कर दूं मैं आगे कंप्लीट, नहीं मैम छोड़ दो। ठीक है ना, ओके। हाँ तो निमाई जल्दी से बताओ, 18 करके दिखा दूं। मैम ठीक है, समझ कर आ दिया, गया इससे। यस हो जाएगा, मैम, चलो ठीक है। वैसे मैंने क्लास में कराया, देख लेना वहां से, ठीक है, यस मैम। ओके। 12th में देखो क्या है, ट्वेल्थ इज 2 lines पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। मान लो ये 2 lines हमने ले ली, 2 lines पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी कि ये तुम्हारा एक तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री, तो ये ऐसा हो गया 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ 1 line इज 2, तो स्लोप ऑफ द अदर लाइन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इस लाइन का स्लोप हमें क्या दिया हुआ है, मैम हो जाएगा, अब तो पहले शायद मुझे कंफ्यूजन अच्छा बस वो 10 थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है ना, था। तो हो जाएगा। ओके, तो इसमें और कोई डाउट नहीं है, है ना। नेक्स्ट आते हैं मिसलेनियस पर। मिसलेनियस का एग्जांपल 25 डिस्कस करना है हमें। 25 इज दिस, 25 बच्चों मैंने क्लास में कराया है। अरे बताओ भाई, ये भी तो कराया है, ये मैंने बताया नहीं था कि तुम्हें मिसलेनियस के एग्जांपल में मिलेगा एक क्वेश्चन, कि 2 lines हैं, उनके बीच का जो इंटरसेप्ट है वो बाइसेक्ट हो रहा है एट द पॉइंट 1,5। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में एक क्वेश्चन कराया था, किसका यस डाउट मैम, है बताओ, करवाया था, हो करवाया। जाएगा। ठीक है मैम, कर लूंगा। ठीक है, इसका स्लोप 10 थीटा लेके, और फिर तुम्हें आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ पर दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें मतलब 10 थीटा से है, तो
तो इस पॉइंट को इस लाइन में रख देना, मतलब ए पॉइंट को, अगर ये पॉइंट ये लाइन है 5x - y + 4 = 0 है, दूसरे पॉइंट को 3x + 4y - 4 = 0 में डाल देना और दोनों को से r को इक्वेट कर देना, तो tan थीटा आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है? हाँ मैम हो जाएगा। ठीक है, मैंने कराया था, देख लेना, नहीं आया तो बता देना। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आता है ये, जेई एज वेल एज सीबीएसई दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिसलेनियस पे आ गए। मिसलेनियस में क्वेश्चन 10th सबसे पहले। ठीक है, हाँ हाँ बोलो मैम। मेरा 25 था, 24 नहीं। तुम्हारा 25 था, 24 नहीं। क्या एग्जांपल की बात कर रहे हो? हाँ मैम, एग्जांपल 25। अच्छा रुको, तो फिर देख लेते हैं एक बार। तुम्हारा 25 था, यू आर सेइंग, है ना? हाँ मैम। ठीक है, ये देखो, ये भी देख लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, शो दैट पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइंस दिस एंड दिस आर इक्वल इज अ स्ट्रेट लाइन। तुम्हें इसको पढ़ के कुछ याद आया? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखो तुम्हारे पास ये जो दो लाइंस दी हुई हैं, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है, ये तो दिख रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे दिखाई पड़ती हैं भाई? पैरेलल नहीं है और परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग ना, तो ये पैरेलल है क्योंकि एक्स वाई के कोफिशिएंट में प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है दूसरी लाइन से, है ना? और इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर लाइंस का पैटर्न कैसे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो कुछ एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है से। अब तुम्हें क्या बताना है? पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। एक्चुअली मूविंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आज हमारी क्लास में होगा, दैट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट। मूविंग पॉइंट जो है वो किस पाथ को फॉलो करता है उसी को हम लोकस बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड हमने शायद यूज किया है पिछली लास्ट क्लास में, यूज किया था मैंने बायसेक्टर बताने के लिए, ये वर्ड यूज किया था। क्यों खुशी, याद है ना? Yes, ma'am. तो बस यहाँ पर वो बायसेक्टर की बात कर रहा है। तुम देखो, अगर हमारा पॉइंट, मूविंग पॉइंट इस पाथ को फॉलो करेगा तो हमेशा उसकी डिस्टेंस दोनों लाइंस के साथ सेम रहेगी। देख रहे हो अक्षत? हाँ मैम। याद आया, ऐसा हमने पढ़ा था। तो ये बाइसेक्टर की ही बात कर रहा है। तो बेसिकली हमारा जो मूविंग पॉइंट है उसको हम क्या करते हैं, एच कॉमा के पहले कंसीडर कर लेते हैं और फिर एच कॉमा के से दोनों लाइंस का डिस्टेंस, पहली लाइन और दूसरी लाइन। तो कैसे लिखोगे? 3h - 2k - 5/√(9+4) मॉड ऑफ दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3h + 2k - 5/√13। मॉड हटा दो तो तुम्हारे पास दो लाइंस आएंगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो ऐसे भी मूव कर सकता है, दैट यू ऑलरेडी नो, क्योंकि हमारे एंगल बाइसेक्टर दो होते हैं। यहां से भी तुम कोई भी पॉइंट लोगे तो दोनों लाइन से अगर डिस्टेंस चेक करोगे तो हमेशा सेम रहेगा। ओके, तो मूविंग पॉइंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? लाइन के फॉर्म में आएगी, ये तो कट ही जाएगा। बाकी एक्स वाई के टर्म्स को एक साइड में करोगे तो यू विल गेट टू लाइंस। व्हेन यू रिमूव दिस मॉड यू विल हैव प्लस और माइनस साइन, तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। तो दैट मूविंग पॉइंट विल लाई ऑन स्ट्रेट लाइंस। डन? Yes, ma'am. पूरा लिख के दिखा दूं एक बार? चलो लिख देते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा है, प्लस माइनस से मैंने मॉड हटा दिया तो 3h + 2k - 5 आ गया। आप देखो प्लस साइन लो, प्लस साइन लोगे तो दोनों तरफ से देखो 3h गायब होगा, है ना? और ये जो k है उसको एक साइड करो तो देखो -4k आ जाएगा, और ये माइनस का 5k है, दोनों तरफ से -5k कैंसिल हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, यानी कि k = 0 आ गया। जब हम लोकस निकालते हैं तो मूविंग पॉइंट को h, k कंसीडर करते हैं,
ठीक है, और एट लास्ट क्या करते हैं, एक्स और एच और के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं, ये लोकस निकालने का तरीका होता है। ठीक है, तो अब तुम्हें एच एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस करना है, यहाँ पर सिर्फ के दिखाई पड़ रहा है, तो वाई इक्वल टू जीरो इज वन ऑफ द लाइंस। अब हम ले लेते हैं माइनस साइन, माइनस साइन लोगे तो क्या हो जाएगा, थ्री एच माइनस टू के माइनस फाइव को नाउ वी इक्वेट विथ माइनस थ्री एच माइनस टू के प्लस फाइव से, माइनस टू के विल गॉन दिस टाइम। ठीक है, एच को एक साथ करोगे तो सिक्स एच आ जाएगा, और ये फाइव इधर करोगे तो माइनस टेन इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ से लोकस क्या आ जाएगा, थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने एच को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स से। ये अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे लोकस के, तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। ओके अक्षर। हाँ मैम। अब आगे बढ़ते हैं मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर टेन। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट भी है बच्चों, अभी हमें करना है ये, अभी दो मिनट के लिए रुक जाओ। कॉन्करेंट लाइंस मैंने बोला था, अभी देखो ट्वेंटीएथ में ये वाला कर सकते हैं, बल्कि पी मस्ट मूव ऑन अ लाइन, लाइन पे मूव कर रहा है, मूविंग पॉइंट अभी बताना है मैंने, लोकस का क्वेश्चन है, ये भी छोड़ दो। थर्टीन देख लो, थर्टीन कर लेते हैं, ये हो जाएंगे। देखो 13 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज दिस। बच्चों यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे दो लाइंस इन्वॉल्व्ड हैं, एक लाइन कौन सी है जो प्लस साइन ऊपर से न्यूमरेटर से और माइनस साइन डिनोमिनेटर से लेने पर मिलेगी, मतलब y अपॉन x इज m प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस m टेन थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो ये लाइन लिखी हुई है, क्योंकि इस x को तुमने यहां पर अगर शिफ्ट कर दिया तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की लाइन है, ये स्लोप ऑफ द लाइन लिखा हुआ है, ऐसी लाइन जो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की होती है वो क्या होती है, ओरिजिन से पास होती है या नहीं होती है। ठीक है, और दोनों लाइंस देखो लिखा हुआ है कि ओरिजिन ओरिजिन से पास होनी वो लाइन, ओरिजिन से पास होने वाली वो लाइंस लिखनी है जो गिवन लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो जरा ध्यान से देखो, गिवन लाइन के साथ थीटा बनाती हुई हम दो लाइंस लिख सकते हैं या नहीं। अब तुम कहोगे कि ओरिजिन से कहां पास करा रहे हैं, हम करा सकते हैं, देखो ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो सकती हैं, तुम इसको पीछे बढ़ा दो और देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये से ओरिजिन है। क्यों नम्रता? यस मैम। अब हमारी ये लाइन एज वेल एज दिस लाइन, मान लो ये एल वन इक्वल टू जीरो लाइन है, ये एल टू इक्वल टू जीरो लाइन है, दोनों पर एक पॉइंट जो कॉमन है कौन सा दिख रहा है, ओरिजिन। ठीक है, यानी कि गिवन लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती हुई दो लाइंस पॉसिबल है। ओके, तो अब हमें दोनों लाइंस ढूंढनी है, दोनों लाइंस के लिए पॉइंट इज ऑलरेडी देयर, हमें बस स्लोप चाहिए। ठीक है, अब जरा चेक कर लो, एक बार स्लोप तो ये आ रहा है और दूसरी बार स्लोप क्या है, अगर तुम ऊपर से नेगेटिव और नीचे से पॉजिटिव ले लो। ठीक है, इन्होंने कंबाइंड करके लाइंस को लिखा हुआ है। ओके, तो तुम्हारी दूसरी लाइन हो जाएगी m माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस m टेन थीटा इंटू एक्स, ये दो लाइंस तुम्हें निकालनी है। हमने x को राइट में शिफ्ट कर दिया, मैंने तुम्हें उस फॉर्मेट में लिख के दिखा दिया जिस फॉर्मेट में हम लेकर आएंगे, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। हमने L1 लाइन का और L2 लाइन का सिर्फ स्लोप निकालना है, पॉइंट इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, इसका स्लोप हमने M1 ले लिया, इसका स्लोप हमने M2 ले लिया। ठीक है, और बीच का एंगल दोनों का सेम है, इसका मतलब और इस लाइन का स्लोप भी गिवन है, इस लाइन का स्लोप कितना है, स्मॉल m के बराबर। ठीक है, तो बस tan थीटा का फॉर्मूला लगा दें और उस फॉर्मूले से इक्वेट कर देना थीटा को, क्योंकि दोनों थीटा सेम है। ठीक है, तो शुरू करो। फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का
एम टू माइनस एम वन, तो एम वन इसको लिख लेते हैं पहले, एम टू जो है वो एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, ठीक है, मॉड ऑफ दैट, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एम माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम एम टू के, ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला समझ लो और फिर अपने हिसाब से उसमें एम वन एम टू डालते रहो। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों तरफ से हमने टेन थीटास को इक्वेट कर दिया। अब हमें क्या ढूंढना है, पहले तो मॉड हटेगा, तो एम वन माइनस एम अपॉन वन प्लस एम एम वन, बल्कि बच्चों एक काम करो, क्योंकि हमें एम वन भी निकालना है और एम टू भी निकालना है, तो ये वैल्यू हमारी टेन थीटा की है ना, क्योंकि आंसर में टेन थीटा दिख रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख लो, क्योंकि ये टेन थीटा के बराबर है। एक बार टेन थीटा को इससे इक्वेट करेंगे तो एम वन आ जाएगा, और एक बार टेन थीटा को इससे इक्वेट करोगे तो एम टू आ जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं, तो टेन थीटा यहाँ से हटे, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस साइन आ जाएगा, एम वन माइनस एम अपॉन वन प्लस एम एम वन आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बल्कि यहां से तुम्हारे पास दोनों ही थीटा आ जाएंगे, क्योंकि थीटा दोनों के लिए सेम ही है। देखो एक बार करके दिखाती हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, टेन थीटा प्लस एम एम वन टेन थीटा इज इक्वल टू, एक बार प्लस साइन ले रही हूं मैं विथ प्लस साइन, तो एम वन माइनस एम, हमें अगर एम वन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एम वन को एक साइड करना पड़ेगा, एम वन कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, एम टेन थीटा माइनस वन, और इस टेन थीटा को राइट में कर दो तो माइनस एम माइनस टेन थीटा, यहां से एम वन की वैल्यू क्या आ गई, एम प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस एम टेन थीटा, मैंने माइनस साइन एडजस्ट कर दिया। अब एक बार ले लेते हैं माइनस साइन, माइनस साइन लोगे तो टेन थीटा प्लस एम एम वन टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एम वन प्लस एम के, इस बार एम वन की वैल्यू क्या आ रही है, इसको इधर कर दो, एम वन कॉमन ले लेंगे तो एम टेन थीटा बचेगा यहां से लेफ्ट साइड से, और प्लस वन फ्रॉम राइट, जब राइट को लेफ्ट में कर देंगे, और टेन थीटा को कर दिया राइट में तो एम माइनस टेन थीटा बन गया, एम वन की वैल्यू आ गई एम माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस एम टेन थीटा। देखो दोनों स्लोप हमें साथ में मिल गए, इस फॉर्मूले को लगाने का यही फायदा है। ठीक है भाई, देखो तुम्हारे पास एक लाइन गिवन थी और एक लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही थी और ये एंगल थीटा बना रही थी, तो हमारी गिवन लाइन से थीटा एंगल बनाने वाली लाइन के स्लोप तुम्हारे पास आ गए दो। इसका मतलब ऐसी दो लाइंस मिलेंगी, यस देयर आर टू लाइंस, ये जो ये तुमने अलग से M2 लिखा है इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ही बार फॉर्मूला लगा के एक बार प्लस और एक बार माइनस साइन लेने से हमें दोनों M मिल गए। दो लाइंस पॉसिबल हैं जो गिवन लाइन से क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ओके, तो अब तुम चेक कर सकते हो, अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव आ रहा है ना, और अगर नीचे ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो कंबाइंड स्लोप कैसे लिख देंगे, एम प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन वन माइनस प्लस टेन एम टेन थीटा, दिस इज द रिक्वायर्ड स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की लाइन होती है अगर ओरिजिन से पास करती है, तुम लिख के देख लो, वाई माइनस जीरो एम टाइम्स, एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो बस ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, और तुम्हारे पास जो एक्स है इसको नीचे डिवाइड कर लो ज्यादा से ज्यादा, और तुम्हें आंसर मिल गया। इसका डाउट था उसे क्लियर है? हाँ मैम। कुछ और तो पूछना नहीं है इससे रिलेटेड? नहीं मैम। ठीक है,
बल्कि ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये वाला स्टेप भी हटा सकते हो क्योंकि हमारा मॉड लगा हुआ है तो तुम्हें दोनों चीजें एक साथ मिल गई, ठीक है। भाई तुम्हारे पास लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लो एक ये हमें 1, -1, 1 पॉइंट हमने ले लिया, एक 5, 7 ले लिया, और ये लाइन हमारी गिवन ज्वाइनिंग पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो तुम्हें बताना है, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट दिस लाइन डिवाइड्स द गिवन लाइन सेगमेंट इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1, तो बस तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला ही तो लगाना था, ये पॉइंट निकाल लो तो ये हो जाएगा 5 λ − 1 upon λ + 5, 7λ + 1 upon λ + 1, और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई करा देते हैं, 5λ − 1 upon λ + 1 + 7λ + 1 upon λ + 1 − 4 = 0, ठीक है। तो 5λ − 1 + 7λ + 1 − 4λ − 4 = 0 आ जाएगा, लैम्डास को एक साइड करो तो ये कितना हो जाएगा 8λ, है ना, 1, 1 गायब और इज इक्वल टू 4, तो लैम्डा इज 1/2, तो लैम्डा इज टू 1 मतलब 1/2 = 1, दैट मीन्स 1:2, ओके, जिसका डाउट था ओके। 14 के बाद है 23, 23 मैंने क्लास में कराया है, बहुत अच्छे से कराया था, बच्चों से वापस देखो, नहीं समझ में आए तो बताओ, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत टाइम टेकिंग है, तो और कुछ नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना था बस, तो एक बार चेक कर लो, नहीं आएगा तो पूछ लेना, किसका डाउट था वैसे वो, अरे बोल तो दिया करो, बोलते भी थोड़ा नहीं, लिखना रहता है। अच्छा लिखना रहता है, लिखो, पढ़ो ये क्वेश्चन तब तक सब। हो गया कुछ नहीं, वो बस रेशियो ही तो लिखना है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस दीज टू, ठीक है, तो इन दोनों रोड्स के जंक्शन पे खड़ा हुआ है, एक लाइन हमारी 2x − 3y + 4 = 0 है एंड द अदर वन इज 3x + 4y − 5 = 0, ठीक है, इसके जंक्शन पे खड़ा है मतलब यहाँ पे खड़ा है, ओके। अब हमें इसको कहाँ पर पहुंचाना है, इस पाथ पर पहुंचाना है, मान लो ये लाइन ऐसी है 6x − 7y + 8 = 0 और हमें इस पाथ पर पहुंचाना है लीस्ट टाइम में, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट पाथ, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, मैम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, बिल्कुल, हमें इस जंक्शन से परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है, दैट्स इट, क्योंकि दिस इज द पाथ जिसको फॉलो करके वो लीस्ट टाइम में पहुंच सकता है, ये तो बचपन में देखो पढ़ते थे, और फिर निकालोगे कैसे वो भी बड़ा आसान है, इस ये पॉइंट हमें पता है और इस लाइन के परपेंडिकुलर के लिए तुम स्लोप लिख सकते हो, तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, हो जाएगा अभी, इसका डाउट था यस और नो, हाँ मैम हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो दिस वाज 24th, नाउ 27th, 27th तो है ही नहीं इसमें, हाँ मैम 24th तक ही है, 24 ही तक है, मैम इसको क्या करने के बाद रिपीट कर दोगे, आवाज थोड़ी सी होगी, देखो मैं क्या बता रही थी कि तुम्हें इसके जंक्शन पे खड़े हुए बंदे को कहाँ पे पहुंचाना है, इस
लाइन पर पहुंचाना है, इस पाथ पर पहुंचाना है जिसकी इक्वेशन गिवन है लीस्ट टाइम में, ठीक है। तो आप देखो हमें पता है कि पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब होता है, जब वो परपेंडिकुलर होता है, होता है या नहीं होता है। ये पॉइंट है, ये लाइन है, तुम कैसे भी डिस्टेंस लिख दो लेकिन जो परपेंडिकुलर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। यस और नो शिवम? यस मैम। सुयश? हाँ सुयश, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें ये वाला पाथ ढूंढना है, लीस्ट डिस्टेंस वाला, सबसे छोटा होगा, सबसे कम टाइम में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है, और इस लाइन की इक्वेशन के लिए तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइन से मिल जाएगा, तो पॉइंट पता चल गया। और क्योंकि इस पाथ के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो स्लोप भी मिल गया। सुयश ओके? यस मैम। स्लोप और पॉइंट से लाइन, हाँ। तो ये हो गया, अब आ जाते वर्कशीट वन पे। वर्कशीट वन में क्वेश्चन 11, देखो क्या कह रहे हैं। Find the equation of a straight line on which the perpendicular from the origin makes an angle 30 degree with x-axis and which forms a triangle of area 50 by root 3 with the axis. ठीक है, तो क्या किया जाए, फिर से एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच परपेंडिकुलर From the origin, perpendicular from the origin makes an angle 30 degree with x-axis and which forms a triangle of area. अगर ये O है, ये A है, ये B है, तो ये OAB का एरिया गिवन है किसके बराबर, 50 by root 3 square units. ठीक है, यही करना था। तो बेसिकली हमें इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ढूंढनी है, एल इक्वल टू जीरो लाइन ढूंढनी है, ठीक है। तो क्या किया जाए भाई, तुम्हें एरिया गिवन है, ठीक है, और एरिया गिवन है, देखो बहुत सारे तरीके मेरे दिमाग में आ रहे हैं। तुम ये पॉइंट भी लिख सकते हो इस पे या नहीं? नहीं, पॉइंट अभी तो नहीं लिख सकते हमें, अगर कुछ कंसीडर करके फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या किया जाए, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ और इसको मैंने बोल दिया से पी, ठीक है, तो हमें क्या दिख जा रहा है, हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी, इट विल बी पी कॉस 30 और ये हो जाएगा P sin 30। इसका मतलब है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके बराबर, P cos 30 is P root 3 by 2 और कॉमा P by 2, ठीक है। अब इस P की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें स्लोप ऑफ, अगर इस पॉइंट को मैंने बोल दिया C, हमें स्लोप ऑफ OC पता है, स्लोप ऑफ OC कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री, ठीक है, विच इज 1 बाय रूट 3। इसका मतलब है हमारे पास क्या अवेलेबल है, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन L क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3। तो अगर हमें इसमें P की वैल्यू मिल जाए तो हमारा सारा काम हो जाए। तो P की वैल्यू निकालने के लिए अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये हमें एक इंफॉर्मेशन और दी है जिसको हमने अभी यूज नहीं किया, ठीक है। तो कैसे करें, भाई अगर स्लोप ये है, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन ये है और पॉइंट ये है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे लिखोगे, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन इज एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब इसमें अगर मेरे को ए की कोऑर्डिनेट चाहिए
ये तो लाइन लिख दी मैंने ए बी, और अगर हमें को ए का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें वाई इक्वल टू जीरो डाल दें एक्स इंटरसेप्ट के लिए। यस बच्चों? यस मैम। है ना, तो इसमें एक्स जीरो कर दो जरा, पुट ऐसे एक्स सॉरी एक्स जीरो करोगे तो वाई इंटरसेप्ट मिलेगा, है ना, और वाई जीरो करेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा। तो चलो कोई नहीं, कोई भी कर लो, y को जीरो कर दिया तो क्या आ जाएगा, माइनस पी बाई टू इज माइनस रूट थ्री टाइम्स एक्स माइनस पी रूट थ्री बाई टू। ठीक है, माइनस माइनस गॉन, और हमारे पास यह आ गया पी अपॉन टू रूट थ्री इज एक्स माइनस पी रूट थ्री बाई टू। देयर फोर एक्स इज पी बाय टू रूट थ्री प्लस पी रूट थ्री बाय टू, ये x आ गया, x इंटरसेप्ट की वैल्यू। बड़ी अजीब सी आ रही है लेकिन कोई नहीं, अब एक बार x जीरो कर दो, x जीरो करोगे तो क्या होगा, y माइनस पी बाई टू इज माइनस रूट थ्री, एक्स को जीरो कर दिया तो माइनस पी रूट थ्री बाई टू। ठीक है, दिस इज पी थ्री पी बाई टू, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें पी बाई टू एड कर दो तो फोर पी बाई टू यानी कि टू पी। अब हमें p निकालना है तो एरिया लिख देते हैं, हाफ इंटू एक्स कोऑर्डिनेट इंटू वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, एरिया डायरेक्ट हाफ बेस हाइट, तो ये हो जाएगा टू पी इंटू में ये वैल्यू, ये क्या है इसको देखो, इसको ठीक से लिख लें अगर, तो ये क्या आ जाएगा, p तो कॉमन है, वन अपॉन टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री बाई टू, एलसीएम इज टू रूट थ्री, यहां पर वन यहां पर थ्री, तो ये हो जाएगा फोर बाय टू रूट थ्री, मतलब टू बाय रूट थ्री, टू बाय रूट थ्री पी। टू से टू गायब, और ये एरिया किससे इक्वेट करना है, फिफ्टी बाय रूट थ्री से, ये टू से ट्वेंटी फाइव, तो पी की वैल्यू देखो बच्चों आ रही है प्लस माइनस फाइव, पी की वैल्यू प्लस माइनस फाइव आ गई, तो बस अब लाइन लिख सकते हैं, हो जाएगा अब। यस मैम। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारे पास दो लाइंस आ रही है, पी की वैल्यू एक बार प्लस फाइव ले लेना, एक बार माइनस फाइव ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन। थर्टीन में क्या है, देखो थर्टीन कह रहा है, अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन फॉर्म एन आइसोसेलस ट्राइंगल विद द लाइन दिस। ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, अपर इसमें अगर x जीरो करेंगे तो y की वैल्यू टू आ जाएगी, y जीरो करेंगे तो x थ्री आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन आ गई, दिस लाइन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन फॉर्म एन आइसोसेलस ट्राइंगल विद द स्ट्रेट लाइन दिस। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड, ये लेकर आना है। अब जरा ड्रॉ करते हैं, हमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है जो गिवन लाइन के साथ आइसोसेलस ट्राइंगल फॉर्म कर रही है। बच्चों समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, हमें दो परपेंडिकुलर लाइन्स चाहिए, तो मैंने एक लाइन ऐसे बना ली, एक लाइन ऐसे बना ली। ठीक है, और देखो मेरी लाइन इतनी सही नहीं बनी, लेकिन ये आइसोसेलस ट्राइंगल भी फॉर्म हो रहा है क्योंकि लिखा है पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस आर ड्रॉन थ्रू ओरिजिन फॉर्म एन आइसोसेलस ट्राइंगल विद द लाइन दिस। दीपांशु समझ में आया कैसे फिगर बना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हमें निकालना है, ओ ए बी। ठीक है, अच्छा बच्चों अब देखो, याद करो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए, ठीक है, तो हमें क्या पता है कि अगर हमने इस राइट एंगल वाले पॉइंट से
हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो हमें क्या मिल जाता है, सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाती है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल बन जाते हैं और हमें एक सर्कल मिल जाता है पासिंग थ्रू ऑल द थ्री वर्टिसेस। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पे कैसे यूज करोगे। हमने क्या किया, फिर से ओ से हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है जो ये डिस्टेंस है वो भी किसके बराबर हो जाएगी, ये मान लो पॉइंट पी है तो जो OP होगा वही OA होगा और वही OB होगा। अग्रीड और नॉट, जिसका डाउट था यस और नो? यस मैम। ठीक है, और OP निकालना हमें आता है कैसे, दिस इज जस्ट परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, यस और नो खुशी? यस मैम, अब आ गया। ठीक है, तो बस हमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है और OP निकल आएगा। OP वुड बी ओरिजिन से कैसे लिखोगे, ए एक्स वन बी वाई वन जीरो हो जाएंगे क्योंकि एक्स वन वाई वन जीरो है, तो माइनस सिक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब फोर प्लस नाइन, दैट इज सिक्स अपॉन रूट थर्टीन। ये OP आ गया, और अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे ट्राइंगल के एरिया के लिए तो एरिया कैसे लिखते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस इज कुछ भी ले लो, तुम्हारे पास सब कुछ अवेलेबल है। बेस हमने ले लिया, क्या ले लें, एक मिनट, मैंने क्या इक्वल लिख दिया यहाँ पे, ये P होना चाहिए ना, OP PA एंड PB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल बनते हैं ना। अच्छा, ये दोनों तो ऑलरेडी बराबर ही थे। ठीक है, तो बेसिकली सभी कुछ बराबर हो रहा है इसमें, आइसोसेलस ट्रायंगल भी तो दिया हुआ है, आइसोसेलस ट्रायंगल है तो ये साइड इस साइड के बराबर थी, फाइन, और हमारा ये इस दोनों के बराबर है। ठीक है, तो बेसिकली ओपी जो है वो पीबी और एपी के ही बराबर आएगा बस। ठीक है, पीए एंड पीबी के बराबर, तो बस हाफ बेस हाइट अगर हम करेंगे तो कैसे लिखेंगे, बेस क्या हो जाएगा एबी इनटू हाइट क्या हो जाएगी ओपी। ओपी हमने निकाल लिया सिक्स बाय रूट थर्टीन, और एबी क्या हो जाएगा डबल ऑफ दैट, डबल ऑफ ओपी, मतलब ट्वेल्व बाय रूट थर्टीन। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, सिक्स आ गया, 36 अपॉन 13 से आंसर आ गया, यही आ रहा है स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यस मैम। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा था, 13 हो गया, कौन सा हो गया, 13 हो गया ना, हाँ, तो नेक्स्ट है 16। देखो क्या है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड विच इज एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो देखो क्या करना है, 2,3 पॉइंट कहां पर मिलेगा हमें, सही ये पॉइंट है, 2,3 से पास होने वाली लाइन जो कैसी हो, एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो मान लो हमारी लाइन ऐसी और वो ओरिजिन से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो ये लाइन हमें लिखनी है और आंसर के हिसाब से ऐसी दो लाइंस पॉसिबल है, तो वो तो अपने आप आ जाएंगे, आनी होंगे अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, उसकी तो तुम चिंता ही मत करो। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, हाँ बच्चों बताओ, एनीवन? ये तो आसान सा ही क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं हमें अगर ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर से एक काम कर लेते हैं,
देखो पहले तो इसको यहाँ से इरेज कर लो, इसको दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे, ठीक है। करने के तरीके देखो बहुत सारे हैं, जितने तुमने फॉर्म पढ़े हैं हर तरीके से एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमने मान लो, इसको ऐसे समझ लो, ऐसे कर लेते हैं इसको, मैंने लाइन लिख ली पासिंग थ्रू 2,3, लाइन मैंने ले ली से इसका स्लोप m है और y इंटरसेप्ट 3। एक मिनट, अगर मैंने चलो ठीक है ऐसे कर लो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये फॉर्म ले लो, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस c से भी कर सकते हो तुम, किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें सिर्फ हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। तो एनीवे चलो वही वाला फॉर्म कर लेते हैं। मैं बस ये सोच रही थी कि सबसे सिंपल तरीका क्या पड़ेगा जिसमें हमें कम से कम चीजें कैलकुलेट करनी पड़े, ठीक है। तो अपनी ये वाली फॉर्म ले लेते हैं, सबसे जो सबसे नॉर्मल फॉर्म है। अरे हट जा भाई, ये हट क्यों नहीं रहा। हाँ तो देखो, हमने इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन लिख ली y माइनस 3 इज m टाइम्स x माइनस 2, ठीक है। तो लाइन क्या दिखाई पड़ रही है, mx माइनस y माइनस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0, ओके। बस हमें m ही तो ढूंढना है, और m ढूंढने के लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 3 से इक्वेट कर दो। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे लिखोगे, m a x1 लिखते हैं, तो a इज m बट x1 इज 0, तो 0 हो जाएगा। b इज माइनस 1, y1 फिर से 0 कर देगा, एंड वट एवर इज c मॉड ऑफ दैट अपॉन रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1, किससे इक्वेट कर देंगे, 3 से, ठीक है। बस इसको इधर कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, m की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, और दो वैल्यूज डाल देना, एक बार एक लाइन आ जाएगी, एक बार एक लाइन आ जाएगी, हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, हाँ ऐसे भी कर सकते हो तुम, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लेके भी कर सकते हो, उसमें भी दो, एक उसमें दो इक्वेशंस बनेंगी, इसमें एक ही इक्वेशन से काम चल रहा है, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी है, जो पहले दिमाग में आ जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज 17, थोड़ा सा ज़ूम आउट करो। अच्छा रुको, ऊपर तो नहीं देखना, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू माइनस 2 माइनस 7 एंड हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस। लाइंस देखते ही बच्चों क्या समझ में आ रहा है, कैसी है लाइंस हमारी, पैरेलल दिख रही हैं, दिख क्यों दीपांशु, तुमने कुछ करा है, हाँ वर्कशीट, अच्छा तुमसे पूछा तो था मैंने, समझ आ रहा है ना, ओके ठीक है ठीक है, ओके। तो देखो हमारे पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस थी, हमें दिखाई पड़ गई, हमने ड्रॉ कर ली वैसे ही। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 बिटवीन द स्ट्रेट लाइन्स। इसका मतलब क्या है, ये जो माइनस 2 माइनस 7 पॉइंट है, ये समवेयर यहाँ पर है मान लो, और इससे हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जिससे इन दोनों लाइन्स के बीच का इंटरसेप्ट 3 यूनिट्स का हो जाए। और देखो एक ऐसी लाइन नहीं मिलेगी क्योंकि लाइन्स पैरेलल हैं, तो हमें ऐसी दो लाइन्स मिलेंगी जो 3 यूनिट्स का इंटरसेप्ट कट करें। Yes, बच्चों yes, हमें इन्हीं दोनों लाइंस की इक्वेशन चाहिए। तो पॉइंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, पॉइंट हमें गिवन है, हमें तो दोनों लाइंस के स्लोप चाहिए, ठीक है। अच्छा अब हमारी जो ये पैरेलल लाइन है इसका स्लोप भी हमें दिखाई पड़ रहा है, दिस इज माइनस 4/3, ठीक है। तो क्या किया जाए भाई, अगर ये इंटरसेप्ट हमने यहां से मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सेम ही हो जाएगा। तो ये लेंथ निकाल सकते हो, कौन बताएगा कैसे निकलेगा,
C2 minus C1 upon distance between two parallel lines. तो इसका मतलब हमें ये perpendicular की length मिल जाएगी, ठीक है? कितना आ रहा है जरा देख लो, C2 minus C1 का मतलब हो जाएगा minus 12 plus 3 upon में root over 16 plus 9 mod of that. तो ये ऊपर हो जाएगा 9, 9 by 5. ठीक है, तो 9 by 5 is this value. अच्छा, अब मान लो मैंने ये एंगल थीटा ले लिया, तो अब हम अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमें दो साइड्स पता हैं, तो हम टेन थीटा भी निकाल सकते हैं, यस और नो? पहले जरा साइन थीटा लिख लो. साइन थीटा कितना हो जाएगा, 9/5 अपॉन 3, अपॉन 3 का 3 यहीं पर आ जाएगा, तो ये 3/5 आ गया. तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, अगर ये 3 है ये 5 है तो ये 4 हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4. तो इसका मतलब है हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, इसको m ले लिया, जबकि इस लाइन का स्लोप हमें गिवन है, दैट इज -4/3, और tan थीटा की वैल्यू गिवन है. तो हमारा काम हो गया या नहीं हो गया? tan थीटा के फॉर्मूले में तीन चीजें होती हैं जिसमें से दो नोन है और एक अननोन है, निकल जाएगा. और क्योंकि tan थीटा के फॉर्मूले में मॉड होता है, इसका मतलब है अपने आप तुम्हें वो दूसरा एम भी मिल जाएगा जो गिवन लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, क्योंकि ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा. ओके, क्योंकि आइसोसेलस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. ओके एवरीवन. हाँ मैम. तो बस निकाल लेते हैं, tan थीटा वैल्यू डाल दी, मॉड ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, तो ये माइनस हो जाएगा ओवरऑल. ठीक है, एक स्लोप ये था, एक स्लोप हमने m कंसीडर कर लिया जो हमें निकालना था. ठीक है, बस अब सिंप्लीफाई करो, मॉड हटाओ, प्लस माइनस साइन और m की दो वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार. तो 3/4 इज इक्वल टू ये 4/3 है, ये प्लस हो जाएंगे दोनों टर्म्स. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 3m अपॉन 3, अपॉन 3 नीचे वाले 3 से गायब हो जाएगा, 3 - 4m प्लस माइनस साइन. ठीक है, एक बार प्लस कंसीडर करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो, देखो क्या आ रहा है. ये आ जाएगा 9 - 12m और राइट साइड में 16 + 12m. ठीक है, 12m को एक साइड कर दिया तो 24m, 16 को लेफ्ट में कर दिया तो -7. तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, -7/24. एंड वेन यू टेक माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 9 - 12m इज इक्वल टू -16 - 12m. बच्चों जरा इस तरह का केस में तुम लोगों को मैंने बहुत बार बताया है कि m की वैल्यू क्या होती है. जब ये -12m - 12m कट रहा है, मतलब m की हम ऐसी क्या वैल्यू डालें जब दोनों साइड इक्वल हो जाए, तो क्या कंसिडर कर लेते हैं मैथमेटिकली, नॉट डिफाइंड. बताया तो है भाई, m इसका मतलब है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसमें -16 कर दो या प्लस का 9 कर दो, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. क्यों आशीष, क्या कंसीडर करेंगे हम यहाँ पर? नॉट डिफाइंड, विच इज 1/0. यस मैम. समझ आ गया या नहीं आया? यस मैम. ओके, तो दिस इज वन वैल्यू ऑफ m एंड दिस इज अनदर वैल्यू ऑफ m, और हमें पॉइंट दिया था -2 - 7, तो बस लाइन लिख देते हैं. y -2 - 7 is the point from where your lines are passing. ठीक है, तो y plus 7 is equal to 1/0 times x plus 2. One line is this and y plus 7 is equal to -7/24 times x plus 2 is the next line. ठीक है, तो ये तुम्हें एक line यहाँ से क्या मिलेगी, 0 से multiply हो जाएगा, x plus 2 equal to 0 and यहाँ से क्या मिलेगा, एक बार check कर लो answer किस form में है, बस answer इसी form में लिखा हुआ है. देखो दोनों लाइन दिख गई, जिसका डाउट था उसे क्लियर है. ओहो हाँ भाई. यस मैम. लाइन एल हैज इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, व्हेन द एक्सिस इज रोटेटेड थ्रू अ गिवन एंगल कीपिंग द ओरिजिन फिक्स्ड, द सेम लाइन एल हैज इंटरसेप्ट्स पी एंड क्यू. तो हमें कोई स्टेटमेंट प्रूफ करना है. ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन. सपोज हमारे ये एक्स वाई एक्सिस है,
और एक एक्सिस बना लेते हैं रोटेट करके, ठीक है। और हमने क्या किया है, रोटेट कर दिया मान लो एक्सिस को किसी फिक्स्ड एंगल से, तो ये अगर ऐसे थीटा शिफ्ट होता है एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस यहाँ पर पहुंच जाएगा थीटा एंगल से, मतलब एक्स एक्सिस अगर शिफ्ट होगा तो वाई एक्सिस यहाँ पर आ गया, तो इसको वाई डैश बोल देते हैं, इसको एक्स डैश बोल देते हैं। क्या चाहिए भाई, ये एक्स और ये वाई, भाई म्यूट तो कर लो। ओके तो ये हमारे पास दो सिचुएशंस हो गई, एक बार एक्स वाई एक्सिस और एक बार हमने एक्स और वाई एक्सिस को थोड़ा शिफ्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कौन सा कलर लिया जाए, ग्रीन, ठीक है। हाँ तो अब एक लाइन है कुछ इस तरह की, ये ग्रीन कलर सेलेक्ट किया था यार मैंने, हाँ तो ये लाइन मान लो हमने सेलेक्ट करी थी, सॉरी ये लाइन हमने ड्रॉ करी, जो एक्स और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो कट कर रही है, एक्स और वाई एक्सिस को देखना ध्यान से, उन वहां पर ए और बी दिए हुए हैं एक्स और वाई इंटरसेप्ट, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो, इसका जीरो कॉमा बी, और लाइन की इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। अच्छा जब इसको रोटेट कर दिया विद अ गिवन एंगल, ठीक है, विद फिक्स्ड ओरिजिन, तो हमारी सेम लाइन इज गिविंग यू इंटरसेप्ट पी एंड क्यू, ठीक है। इसका मतलब है अब इंटरसेप्ट क्या हो गए, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, मतलब ये एक्स डैश जो है वो पी है, इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पी डैश कॉमा समथिंग, इसको जीरो ही कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो न्यू एक्सिस है वहां पर ओरिजिन जो है यहाँ पर ही है, ठीक है, सेम पोजीशन पर है, यहाँ के इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जीरो कॉमा क्यू, ठीक है। तो करना क्या है, मतलब अब इसमें क्या कंडीशन लगाएं कि हमें ये ए बी पी क्यू में एक रिलेशन मिल जाए, तो भाई दूसरे केस में लाइन कैसी दिख रही है, एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू वन। अब हमें तो ए बी पी क्यू में रिलेशन चाहिए, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओरिजिन इज फिक्स्ड, ओरिजिन अपनी ही जगह पर है, अगर ओरिजिन अपनी जगह पर होगा इसका मतलब क्या हुआ, तुम पहले एक्सिस पे देखो या दूसरे एक्सिस पर देखो ये डिस्टेंस तो फिक्स ही होगा या नहीं होगा, तुम्हारे सामने फिगर बना हुआ है, चाहे एक्स वाई एक्सिस लो या एक्स डैश वाई डैश एक्सिस लो, ये डिस्टेंस तो फिक्स है जो ओरिजिन से इस लाइन पर है, क्यों खुशी? Yes, ma'am. ठीक है, इसका मतलब है ओरिजिन से अगर हम इस लाइन और इस लाइन के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, तो दोनों से सेम डिस्टेंस मिलेगी, d रिमेन सेम एट द सेम पोजीशन, ठीक है, एट द सेम डिस्टेंस आदर, ठीक है, तो बस लगा दो। तो इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं बी एक्स, या फिर जैसे लिखा है वैसे ही रहने दो, उससे फटाफट आ जाएगा। ओके तो ए एक्स वन से ए इज वन अपॉन ए बट एक्स वन इज जीरो प्लस बी वाई वन वन अपॉन बी इंटू जीरो एंड सी इज माइनस वन और अपॉन में क्या आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर, और दूसरे से देखो इसी तरह का ये पी और क्यू में आ जाएगा, हो गया ना। तो वन अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं है बच्चों वर्कशीट में? नो मैम। ठीक है, देखो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे कॉन्करेंट लाइंस की। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइंस, ठीक है। अगर हमने सपोज वी आर टॉकिंग ऑफ थ्री कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है, सपोज हमारे पास एक लाइन है ए वन एक्स बी वन वाई सी वन इक्वल टू जीरो, सेकेंड इज ए टू एक्स बी टू वाई सी टू इक्वल टू जीरो एंड थर्ड इज ए थ्री एक्स बी थ्री वाई सी थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट होंगी, कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट से पास होने वाली लाइंस।
यानी कि तीनों लाइंस पर एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है, दे आर कॉन्करेंट एट दिस पॉइंट, ठीक है, इफ दिस इज द कंडीशन. कंडीशन क्या है, ए वन बी वन सी वन, हमने इसका इनके जो कोफिशियंट है ना इसका डिटर्मिनेंट बनाना है और उसको जीरो से इक्वेट कर देना है, ठीक है. ये हो जाएगा ए टू बी टू सी टू और ये हो जाएगा ए थ्री बी थ्री सी थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है. तो अगर ये तीन लाइंस कॉन्करेंट है, बच्चों देखो ये जो कंडीशन आई है इसको क्या कहते हैं, निकालना बड़ा आसान है. इसमें करेंगे क्या, हमने क्या किया, मान लो दो लाइंस को हमने साथ में सॉल्व किया, ठीक है. अब तुम्हें पता है लाइंस कॉन्करेंट है तो दो को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट x1 y1 निकल आएगा क्योंकि एक ही पॉइंट है जो तीनों पे कॉमन है, दिस इज द ओनली पॉइंट. तो इसका मतलब है तुम बेसिकली फर्स्ट टू को सॉल्व करो या सेकंड लास्ट टू को करो या फर्स्ट और थर्ड को करो, तुम्हें हर बार क्या मिलेगा, जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वही मिलेगा क्योंकि एक ही पॉइंट है जो तीनों लाइन्स पर है, ठीक है. अब जो तुम्हारे पास x1 y1 की वैल्यू किन्हीं भी दो को सॉल्व करके आई है वो किसके फॉर्म में आई होगी, वो आई होगी ए वन बी वन ए टू बी टू सी वन सी टू के फॉर्म में. भाई एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे हो तो किसके फॉर्म में आएगी, जो कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व है उन्हीं के टर्म्स में आएगा, और जो ये एक्स वन वाई वन होगा वो तीसरे को सेटिस्फाई भी करेगा. तो वो वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पर और यहाँ पे डाल दी और वो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाना चाहिए, जीरो. क्यों, क्योंकि लाइन्स कॉन्करेंट है. तो वो जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम कंसाइजली और सिस्टमेटिकली लिखें तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाती है जो तुम याद रखोगे. दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस. सबको बात समझ में आ गई, ठीक है. तो देखो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली जब हमें जरूरत पड़ेगी हम अपना कॉन्सेप्ट यूज भी कर सकते हैं कि भाई तुमने दो, तुम्हें तीन लाइंस दी हुई हैं और दो से हमने दो को सॉल्व करके एक्स और वाई निकाला और तीसरे में डाल के कोई एक चीज निकाल दी. एक वो तरीका तुम्हारे पास है और एक ये तरीका तुम्हारे पास है. जब बच्चों को डिटर्मिनेंट बहुत अच्छे से आ जाता है ना तो वो कोशिश करते हैं कि जहां जहां डिटर्मिनेंट सॉल्व होने से आंसर आ जाए बस डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करते रहो, ठीक है. अब जब तुम ट्वेल्थ में आ जाओगे डिटर्मिनेंट्स पढ़ लोगे तो तुम भी बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है. तो अदरवाइज जो मैंने बताया पहले तुम वो भी कर सकते हो. ओके दीपांशु, समझ में आ गई बात? अरे बोलो. ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द लाइंस 3x माइनस 4y माइनस 13 इक्वल टू जीरो, 8x माइनस 11y माइनस 33 इक्वल टू जीरो एंड 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो आर कॉन्करेंट, ठीक है. तो तुम्हें लैम्डा आंसर करना है तो करो. अब जो मैंने समझाया देखे किसको समझ में आया, बता दो बाकी कर लेंगे. एक्स और वाई बता दो तुम्हारे क्या है भाई, ये मतलब तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन का. यस 11 एंड 5. यस एक्स 11 बाय 5. एक्स 11 आ रहा है और वाई 5 आ रहा है. आ रहा है इसको और इसको सॉल्व करके. यस मैम. ठीक है, अब ये वो पॉइंट है जहां से ये तीसरी लाइन भी पास हो रही है. पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है ना ये दो जो हमने निकाला. तो तुम कोई भी दो लाइंस को सॉल्व करोगे तो तुम्हें वही पॉइंट मिलेगा जहां से तीनों लाइंस पास हो रही है क्योंकि तीनों लाइंस कॉन्करेंट दी हुई है. कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास होना, कोई एक पॉइंट है जो तीनों लाइंस पे कॉमन है. गॉट इट? यस मैम. और वो पॉइंट तुम निकाल चुके हो तो ये थर्ड को भी सेटिस्फाई करेगा. तो यूज दिस फैक्ट एंड गेट लैम्डा फ्रॉम हियर. ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, इसका जीरो है. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जीरो नहीं है बच्चे. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कि तुम्हारे पास क्या कंडीशन आ रही है और तुम क्या आंसर कर रहे हो. चेक करो भाई. देखो तुम्हें नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, यानी कि इस बार नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए आंसर करना है फॉर विच द थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट. ठीक है, तो देखो अब हमें ये लाइन और ये लाइन ऐसी दी हुई है, तुम यहाँ से एक्स और वाई निकाल सकते हो. ठीक है, कोई और कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, तो क्या करें, एक काम करते हैं, टू का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें. तो
तो ये हो जाएगा 4x plus 2y minus 2 equal to 0 और दूसरी लाइन क्या है 3x plus 2y minus 2 equal to 0 subtract them, subtract करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से x आएगा और equal to 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी कट गया। अच्छा x is equal to 0 डालो, किसी में भी डाल दो x 0, तो 2y minus 2 is 1, sorry 0 second में डाल रही हूँ इसमें, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इसका मतलब पॉइंट आ गया 0,1, दिस इज द पॉइंट जो कि इन तीनों लाइंस पे कॉमन होगा, ठीक है, यानी इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अब इसको भी सेटिस्फाई करेगा तो करा दो, तो क्या हो जाएगा a इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर a की नंबर ऑफ वैल्यूज पूछी थी, तुम यहाँ पर a को कुछ भी डालो, क्या ये एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू रहेगा? यस, क्योंकि ये और ये तो कट रहा है, तो और a किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ, तो a कैन बी एनी रियल वैल्यू, क्यों खुशी? यस मैम, ठीक है, तो देयरफॉर a कैन बी इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज फॉर a आर पॉसिबल। गॉट इट मैम। एवरीवन, मानव हो गया था मैम? यस मैम। ओके, हाँ बोलो आशीष। हो गया था, ये बोलता था। हाँ, ठीक है, सुना था मैंने। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। वैसे बच्चों देखो, ये कॉन्सेप्ट तुम ऑलरेडी इनइक्वालिटीज जब हमने करी थी पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार फिर से भाई, सपोज हमारे पास एक लाइन है, लाइन हमें दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और हमने दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ले लिया कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन, एक पॉइंट ले लिया क्यू एक्स टू वाई टू, और हमें क्या चेक करना है, इन दोनों पॉइंट्स का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। अब तुम लोग याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था, कोई लाइन अगर इस तरह से बनी हुई है मान लो, ठीक है, तो इस पर जितने पॉइंट्स हैं वो सारे इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, यस, यानी कि तुम अगर एक्स और वाई की वैल्यू डालते जाओगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो होता जाएगा, और उन सबको सोल्यूशन ऑफ द लाइन भी बोलते हैं, ये सब तुम लोग नाइन टेंथ में पढ़ा था तुम लोगों ने, है ना। अब हमने इलेवेंथ में क्या पढ़ा, हमने कहा ये जो लाइन है ये हमारे पूरे प्लेन को टू पार्ट्स में, टू रीजन्स में डिवाइड कर देती है। एक रीजन में क्या होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन जीरो आंसर कर रहा होगा, और दूसरे रीजन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कैसा आंसर करेगा, लेस देन जीरो, कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी कुछ भी, कोई भी साइन हो सकता है, वो साइन कैसे डिसाइड करते हैं वो भी हमें पता है। तो एनीवे हमें बस ये पता है कि हमारी पूरी लाइन एक्स वाई प्लेन को दो रीजन में डिवाइड करती है, ठीक है। अब सोचो तुम्हारे पास अगर ये दोनों पॉइंट्स हैं और हमें इस लाइन के रिस्पेक्ट में चेक करना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ है, तो सीधी सी बात है, अगर तुम इस लाइन पर ये पॉइंट डालते हो पी वन, पी ऑन एल, अगर ये लाइन एल है तो ये कैसे दिखेगा, एक्स वन वाई वन हम डालेंगे एक्स वाई के प्लेस पर, है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और क्यू ऑन एल डाला तुमने, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी सी वन, हाँ सी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि दोनों पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन है, यस और नो? यस मैम। और अगर ये लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब फिर से दोनों पॉइंट्स एक ही साइड है। अगर दोनों पॉइंट्स का लाइन के साथ साइन सेम आ रहा है, दैट मीन्स दोनों पॉइंट्स एक ही साइड है, और अगर अलग अलग आ जाएगा तो डिफरेंट साइड है, खत्म। बात समझ में आ गई सबको? तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर हमें किसी पॉइंट का लाइन के रिस्पेक्ट में, देखो कहां पे कौन सा साइन है अभी मैं ये नहीं बोल रही, बस मैं ये बता रही हूं कि अगर दोनों सेम साइन दे रहे हैं तो दैट मीन्स दोनों पॉइंट्स लाइन के एक ही साइड में है, क्योंकि पूरा रीजन सेम साइन देता है। ओके, समझ में आया अचिंत? ठीक है ना, इतना सफिशिएंट है एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, तुम्हें चेक करना है 3,4
एंड 2, -6, ठीक है। दीज आर द टू पॉइंट्स, और तुम्हें चेक करना है कि ये लाइन के एक ही साइड में है या ऑपोजिट साइड में, ठीक है। पी एंड क्यू की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो चेक दिस। इसमें बस हमारी लाइन को पहले तो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, एक बार 3, 4 डालोगे तो ये 9 हो जाएगा, -16, -8, दिस इज डेफिनेटली लेस देन 0, और 2, -6 डालोगे तो 6 ये हो जाएगा, प्लस का 24, -8 तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है दोनों पॉइंट्स लाइन के ऑपोजिट साइड में है, ओके। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन है द पॉइंट 8, -9 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन्स लाइन्स दी हुई हैं 2x + 3y - 4 = 0 एंड 6x + 9y + 8 = 0 लाइज ऑन दी। ऑप्शंस हैं सेम साइड ऑफ द लाइन्स, डिफरेंट साइड्स ऑफ द लाइन्स, वन ऑफ द लाइन, नन ऑफ दीज, ठीक है। ट्राई दिस, सेम में सही आ रहा है, सेम साइड ऑफ द लाइन्स, लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, जरा चेक करते हैं। भाई तुम्हारे पास जो ये दो लाइन्स दिख रही हैं, ये कौन मैसेज करे जा रहा है? भाई ये अवंश, शांत हो जाओ शांत। दोनों लाइन्स देख के समझ में आ रही है बच्चों, दे आर पैरेलल लाइन्स, क्योंकि अगर तुम इसे 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x + 3y + 8/3 = 0, ठीक है। तो 2x + 3y वाला पार्ट हमारा सेम है, दैट मीन्स लाइन्स पैरेलल है। तो एनीवे ये दो लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हमें पॉइंट दिया है और इसकी पोजीशन पूछी है कि दोनों लाइन्स के रिस्पेक्ट में इसका कहां पर क्या क्या कहां होना चाहिए। मैंने 8, -9 डाला पहली लाइन में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, -27, -4, यानी कि लेस देन साइन आ रहा है, फाइन। अच्छा अब दूसरी लाइन में भी डाल देते हैं, दूसरी लाइन में क्या हो जाएगा, 6 × 8 = 48 हो गया, -81 हो गया, +8 आ रहा है, तो ये भी लेस देन 0 आ रहा है। तो तुमने ये देख के कह दिया होगा कि एक ही साइड में लाई करेगा, पॉइंट जो है वो एक ही साइड में लाई करेगा। बच्चों जरा मेरे को ये बताओ कि वो एक ही साइड का क्या मीनिंग है यहाँ पे, वो पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए या फिर वो यहाँ पे होना चाहिए? क्यों खुशी? मैम जो फर्स्ट वाला केस है, हाँ मैम वहाँ पे होना चाहिए सेम साइड के लिए। ऐसा तो कोई जरूरी जो मतलब आपने नीचे जाके बनाया, नीचे जाके बनाया। भाई देखो इस अगर तुम ये वाली लाइन के लिए देखो तो ये पूरा रीजन सेम साइन देगा, है ना, और ये वाला पूरा रीजन सेम साइन देगा, ठीक है। और लेकिन जो नीचे वाली लाइन है उसके लिए इधर वाला तो रीजन तो एक जैसा साइन देगा, लेकिन ऊपर वाला फिर से डिफरेंट साइन देगा। तो हमें कैसे पता कि जो साइन जो तुम कह रहे हो कि यहां पर होना चाहिए, ये तो दोनों रीजन्स के लिए अलग अलग है। यस और नो, हमें कैसे पता चलेगा? अब देखो इसका तरीका क्या है, हम कंसीडर करेंगे एक रेफरेंस पॉइंट 0, 0, ठीक है। हम रेफरेंस पॉइंट 0, 0 कंसीडर करेंगे। अब जरा चेक करो कि पहली लाइन जो है वो हमें लेस देन साइन दे रही थी, अब ओरिजिन इस लाइन पर क्या साइन देगा, 2x + 3y - 4 = 0। इस लाइन पे अगर ओरिजिन का साइन देखेंगे तो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है,
सॉरी माइनस फोर आ रहा है, ठीक है, माइनस फोर विच इज लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, जहां ओरिजिन है वहीं ये पॉइंट है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब जरा दूसरी लाइन के लिए ओरिजिन का साइन चेक करो, 8, -9 अगर हम इस लाइन पे डाल रहे थे तो हमें नेगेटिव साइन मिल रहा था, लेकिन अगर हम ओरिजिन डालेंगे तो क्या मिलेगा, 8 आएगा एंड विच इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब है ओरिजिन एंड दिस पॉइंट आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन, समझ रहे हो। इसका मतलब है पॉइंट को कहां पर होना चाहिए, क्यों बच्चों कहां पर होना चाहिए, कुछ नहीं समझ में आया, नहीं आया मैं, यहां नहीं होना चाहिए, नहीं मैम, अरे यही तो मैं बोल रही हूँ। देखो तुम्हारी जो, अब एक काम करते फिगर को चेंज कर लो भाई, तुम्हारी एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, ये लाइन थी 2x + 3y - 4 = 0। इसमें मैंने अगर 8, -9 डाला तो कैसा आंसर आ रहा था, नेगेटिव, ठीक है, और जब 0, 0 डाला तो क्या आ रहा था, तब भी नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट एक ही साइड पर है इस लाइन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने दूसरी लाइन ली विच इज 6x + 9y + 8 = 0, उसमें डाला 8, -9 तो आंसर कैसा आ रहा था, लेस देन जीरो, जबकि अगर ओरिजिन डाला तो वैल्यू आ रही थी ग्रेटर देन जीरो। जिसने नहीं बोला था उसे भी यहां तक पता चल रहा है ये ऐसा ऐसा आया था, यस मैम, यानी कि 8, -9 हमारी इस लाइन के तो उधर ही साइड में है जिस साइड में ओरिजिन है, तो ओरिजिन मान लो यहां पर है तो इस लाइन के लिए तो सेम साइड ही हो गई ना। मेरा मतलब है कि 8, -9 यहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस लाइन के लिए तो दोनों सेम साइड पर ही हो गए, यस और नो, यस मैम, लेकिन इस लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों अपोजिट साइड में हो गए या नहीं हो गए, यस मैम, यस मैम, आ गया, अब आ गया, तो दैट्स इट। तो एक रेफरेंस पॉइंट लेके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन से एक साइड की बात हो रही है। आशीष क्लियर है, यस मैम, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखो क्वेश्चन है, देखो दिस वाज आस्क्ड इन जेई, फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट्स α, 2 + α and 3α/2, α² lie on opposite sides of the line 2x + 3y = 6। ठीक है, थिंक कैसे करेंगे, देखो जरा जो ट्राई कर रहा है वो चेक करे ऐसे कर रहा था या नहीं। भाई तुम्हें अल्फा के लिए आंसर करना है और हमें क्या गिवन है कि ये जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो इस लाइन के ऑपोजिट साइड पर है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है, तुम इस पॉइंट को इस लाइन पे डालोगे और क्यू पॉइंट को लाइन पे डालोगे तो एक बार पॉजिटिव साइन आएगा और एक बार लेस देन जीरो आएगा, है ना। एक बार एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर देन जीरो आंसर करेगा, एक बार लेस देन आंसर करेगा, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता कौन से पॉइंट से कौन सा साइन आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज तो पक्की है कि अगर मैंने एक बार पी को डाला तो 2α + 3 × 2 α - 6 इस एक्सप्रेशन का साइन, एंड 3α/2 डालेंगे तो 2 × 3α/2 + 3 × α² - 6 इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट मस्ट बी लेस देन जीरो, यस और नो, दिस इज द इनइक्वालिटी यू हैव टू सॉल्व फॉर अल्फा,
क्यों अचिंत्य होगा ऐसा? भाई हमने पी को लाइन पे डाला और क्यू को लाइन पे डाला तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो तो डेफिनेटली लेस देन जीरो होगा, क्योंकि लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो इनमें से कोई एक तो होगा ना, एक क्योंकि अपोजिट साइड पर है पॉइंट्स। खुशी क्लियर है ये? यस मैम। हाँ बताओ चिंतित क्या कहाँ चले गए? आगे मैम। समझ आ गया? यस मैम। तो बस अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2 अल्फा है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 अल्फा, तो ये 5 अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 6, यहाँ पे माइनस 6 तो गया, तो 5 अल्फा बचेगा। दूसरे ब्रैकेट में ये 2 गायब हो गया, यहाँ पे 3 अल्फा था एंड प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 और लेस देन 0। ये इनइक्वालिटी में सॉल्व करनी थी। 5 को डिवाइड बाय 0 कर दिया, यहाँ से 3 को भी डिवाइड बाय 0 कर देते हैं। अल्फा आएगा, यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। और अब इसको फर्दर फैक्टराइज कर लो तो ये क्या फैक्टर्स मिलेंगे, अल्फा माइनस 1, अल्फा प्लस 2, एक अल्फा। तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है, यस डेफिनेटली। माइनस 2, 0 एंड 1, दीज आर द 3 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव साइन बना देते हैं, ठीक है, विद द प्लस साइन फॉर राइट मोस्ट रीजन, ठीक है। हमें लेस देन का आंसर चाहिए तो हमें दिखाई पड़ रहा है क्या आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 2 टू 0, एक मिनट सॉरी, लेस देन मतलब नेगेटिव। तो अल्फा की दो रेंजेस दिख रही हैं मैम। हाँ बोलो मैम। मैं लीव कर सकता हूँ मैम क्लास? क्यों क्या हो गया मैम? मेरी तबीयत खराब हो रही है मैम ज्यादा। ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक है ऑफ स्ट्रेट लाइन इज लोकस ऑफ अ पॉइंट। देखो लोकस का मीनिंग थोड़ा बहुत मैंने बताया था, फिर से एक बार समझ लो। बेसिकली एक मूविंग पॉइंट का पाथ ट्रेस करना, ट्रेस करना मतलब फाइंड आउट करना इज फाइंडिंग लोकस, ठीक है। एक मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जो मूव कर रहा है, ठीक है। देखो अगर इस पॉइंट पर तुम कोई कंडीशन ना लगाओ तब तो ये अपने ही मर्जी से कहीं पर भी चलता जाएगा, लेकिन अगर तुमने इस पर कुछ कंडीशंस लगा दी तो ये पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करने लगता है, ठीक है। और वो पाथ ढूंढना ही हमारा लोकस फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, ठीक है। तो हम अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, हम उस मूविंग पॉइंट पर हमें कुछ कंडीशंस दी होंगी, हम वो लगाएंगे और फिर हमें क्या मिल जाएगा, वो पाथ। अच्छा देखो अब पाथ क्या क्या पॉसिबल है, हमारे कुछ नोन कर्व्स हैं जो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम कोनिक सेक्शन और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे। हमें अभी ये स्ट्रेट लाइन अभी हमने बस देखी है, पढ़ी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के बाद हमें सर्कल्स दिखेगा, पेयर ऑफ लाइंस कैसी दिखती है वो पता चलेगा, पैराबोला की इक्वेशन कैसी दिखती है वो पता चलेगा, ठीक है, और इलिप्स कैसा दिखता है, हाइपरबोला कैसा दिखता है, तो सारी इक्वेशंस पता चल जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें वो पाथ अगर ढूंढने के लिए कहता है तो तुम्हारे पास जनरली 4 ऑप्शंस में ये सारे कोनिक सेक्शंस लिखे होते हैं, ठीक है। तो एनीवे अभी हम इक्वेशंस निकालेंगे, ठीक है, एक्स वाई में रिलेशन हमारे पास आएगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें ये भी पता चलता जाएगा वो कर्व कौन सा है, उसको बोलते क्या है, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखो सबसे सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सपोज क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ अ मूविंग पॉइंट from 2 fixed points a,0 and minus a,0 is equal to a constant
4. Find the equation of its locus. ठीक है, देखो क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का, एक बार मतलब समझते हैं भाई. तुम्हारा जो मूविंग पॉइंट है वो कैसे मूव कर रहा है, कि सम ऑफ डिस्टेंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ अ मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स. यानी कि अगर हमारा जो टू फिक्स्ड पॉइंट्स है वो एक ए कॉमा जीरो है और एक बी, मैंने माइनस ए कॉमा जीरो ले लिया, ठीक है, तो उस मूविंग पॉइंट को पी हमने कंसिडर कर लिया. सबसे पहले हम करते क्या है, उस मूविंग पॉइंट को एच कॉमा के कंसिडर कर लेते हैं. लेट अवर मूविंग पॉइंट बी एच कॉमा के. अब इस मूविंग पॉइंट पे क्या कंडीशन लगी है, कि इसका डिस्टेंस टू फिक्स्ड पॉइंट से अगर हम इसका डिस्टेंस निकालें और उसका स्क्वायर कर दें तो वो सम 4 के बराबर दे रहा है. और हमें क्या ढूंढना है, लोकस ऑफ दिस पॉइंट. बच्चों बात समझ में आ गई, हमने अपने मूविंग पॉइंट पे क्या कंडीशन लगा दी है, कि इसका डिस्टेंस टू फिक्स्ड पॉइंट से अगर हम निकालते हैं, उनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो वो डिस्टेंस किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर. नाउ फाइंड द लोकस ऑफ इट्स, लोकस ऑफ दिस पॉइंट. ठीक है, तो बेसिकली तुम सबसे पहले तुमने क्या किया, उस मूविंग पॉइंट को एच कॉमा के कंसिडर कर लिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कंडीशन लगा दी, हमें बेसिकली एच कॉमा के में, एच एंड के में एक रिलेशन लिखना है, रिलेशन लेके आना है. फाइंड रिलेशन बिटवीन एच कॉमा के, एच एंड के. ठीक है, और इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एट लास्ट एच कॉमा के को रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई से. ठीक है, क्योंकि हम कर्व किस फॉर्म में पढ़ते हैं, एक्स वाई के फॉर्म में पढ़ते हैं. ठीक है, तो हर बार हम क्या करेंगे, एच कॉमा के को सबसे लास्ट काम हमारा क्या होगा, एक्स वाई में रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, तो ये सबसे सिंपल केस था जहां पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ था कि डिस्टेंसेस के स्क्वायर्स का सम 4 के बराबर कर दो. ठीक है, तो कुछ सोचना नहीं, तुमने बस पॉइंट, मूविंग पॉइंट को एच कॉमा के लिया, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस निकाले, उसका स्क्वायर किया, सम को 4 से इक्वेट कर दिया. ठीक है, तो देखो हमें डायरेक्ट एच कॉमा के में रिलेशन मिल जाएगा, चेक कर लो. एपी स्क्वायर मतलब एच माइनस ए का स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर प्लस, और रूट ओवर हट गया स्क्वायर से. पीबी स्क्वायर मतलब एच प्लस ए होल स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो का स्क्वायर, तो ये के स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 4. ठीक है, अब देख लो कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है. ठीक है, तो ये देखो आएगा एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ah प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4. 2ah गॉन, एच स्क्वायर एक साथ कर दिया, के स्क्वायर एक साथ कर दिया, ये ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर ये 2a स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 4. 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया. तो 2 क्यों आया, हाँ 2 से डिवाइड करा है. ठीक है, और बस हमारे पास ये रिलेशन आ गया. हमने क्या करना है, एट लास्ट एच कॉमा के को एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बल्कि एक काम करो इसको इस फॉर्म में लिख लो क्योंकि ये हमारे सर्कल की इक्वेशन भी दिखाई पड़ रही है. तो एनीवे यू डोंट नो सर्कल, यू डोंट वरी अबाउट व्हाट कर्व इज दैट. ठीक है, तो बस हमने एट लास्ट क्या कर देना है, एच कॉमा के को एक्स वाई से रिप्लेस टू गेट द रिक्वायर्ड लोकस. ठीक है, जो फाइनल इक्वेशन आती है उसमें एक्स वाई आता है एंड जो टर्म्स तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होते हैं सिर्फ वही आने चाहिए. मतलब जैसे यहाँ पर जो a दिखाई पड़ रहा है दैट इज गिवन क्वांटिटी, तो वो अगर हमारे कर्व में दिख रहा है तो दैट इज ओके. लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं आनी चाहिए जो तुम कंसीडर करो और वो इक्वेशन में आ जाए. ठीक है, तो गिवन क्वांटिटीज आ सकती हैं लेकिन वेरिएबल चीज या तुमने अपनी मर्जी से अज्यूम की हुई चीज वो हमारे लोकस का पार्ट नहीं होगी. ठीक है, तो उन्हें हमें एलिमिनेट करना होता है समहाउ. तो एनीवे क्वेश्चंस अभी आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम्हें समझ में आता जाएगा. फिलहाल ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको.
देखो अभी क्वेश्चन है, फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए. फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट हूज डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉमा जीरो ए कॉमा जीरो इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. ठीक है, करो ट्राई. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट हूज डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. ठीक है, तो ये जो ए कॉमा जीरो है वो मैंने मान लो यहां पर ले लिया. ठीक है, और मूविंग पॉइंट ले लिया पी कोऑर्डिनेट्स एच कॉमा के. ठीक है, अगर इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, ये मान लो ए पॉइंट था, ठीक है, इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा. क्यों बच्चों, अगर ये पॉइंट बी है तो पी बी किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर. और हमें किससे इक्वेट करना है, पी ए से इक्वेट करना है. ठीक है, तो पी ए कितना है, पी ए इज डिस्टेंस बिटवीन पी एन ए विच इज एच माइनस ए का स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो का स्क्वायर. तो के स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे एच स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए एच. बस जो क्वेश्चन ने बोला है बस मैंने वो कर दिया, बस तुम्हारे पास एच और के में रिलेशन आ गया विद ए इज ओके, क्योंकि ए हमें गिवन क्वांटिटी थी. और एट लास्ट हमें क्या करना होता है, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस. ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, देखो ये जो ऊपर लिखा वही तो मिलेगा. ठीक है या नहीं, वाई स्क्वायर आएगा माइनस का टू ए एक्स आएगा प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो. अचिंत्य आएगा इसमें, तो बस जो क्वेश्चन ने बोला है बस वैसे वैसे करते जाओ, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से इक्वेट कर दो. ठीक है, और देखो ये मूविंग पॉइंट है, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए. मूविंग पॉइंट कैसे, भाई मान लो पॉइंट यहां पर है ऐसे, पर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है. ठीक है, ये पॉइंट अभी यहां पर पहुंच गया तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर. तो बेसिकली जो हमारा पॉइंट पी है वो मूविंग है और किस कर्व को फॉलो करेगा वो तुम्हें ढूंढना था. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो इसको और देखो कि कैसे कंडीशन लगाओगे, चेक करो. भाई तुम्हारे पास ये दोनों फिक्स पॉइंट्स थे, ठीक है, ये एक है माइनस फाइव कॉमा वन एंड वन इज थ्री कॉमा टू. क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट सो दैट द ज्वाइन ऑफ दीज टू सबटेंड राइट एंगल एट द मूविंग पॉइंट. तो वो जो मूविंग पॉइंट है वहां पर ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स का ज्वाइनिंग जो है. ठीक है, तो ये सारे 90 डिग्री बन रहे हैं और बेसिकली ये पॉइंट मूव कर रहा है, किस पाथ को फॉलो करेगा वो तुम्हें बताना है. तो हमने इसको एच कॉमा के ले लिया और कंडीशन दिखाई पड़ रही है, हर जगह हम स्लोप के लिए वही यूज कर रहे होते हैं, स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन. तो अगर ये ए है और ये बी है तो स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ पी बी प्रोडक्ट माइनस वन के बराबर होगा, बस वहीं से लिखा है. क्यों बच्चों, ठीक है ना, के माइनस वन अपॉन एच प्लस फाइव एंड के माइनस टू अपॉन एच माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन. बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर लेकर जाओगे, फिर लेफ्ट में लेकर आ जाओगे तो यही तो मिलेगा. और फिर एच कॉमा के को एक्स वाई से रिप्लेस. क्यों, क्योंकि हमें एच को रिलेट करना था, कर दिया. नम्रता ओके, पाइथागोरस. अच्छा, पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. हम मैंने वैसे ही करा था.
हाँ ठीक है, आ गया ना तुम्हारा, वैसे ही आया ना? हाँ मैम आंसर तो सेम आया। हाँ बस ठीक है, वो डेफिनेटली वो पाथ तो सेम ही आएगा, कैसे भी कंडीशन लगाओ, अगर कंडीशन सही लगी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगी हुई है तो पाथ तो सेम ही आएगा। ठीक है नेक्स्ट है, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 2,1 ऑन द वेरिएबल लाइन वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0,0। ठीक है देखो इसका मीनिंग मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2,1 ऑन द वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू 0,0। ठीक है तो 0,0 से पास होने वाली तो तुम्हें पता है इनफाइनेटली मेनी लाइंस पॉसिबल है। ठीक है अब मान लो एक पॉइंट है 2,1, हमने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन फर्स्ट लाइन तो वो यहां पर आया, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दूसरी लाइन पे फुट ड्रॉ करोगे तो वो यहां पर आ रहा है, तीसरी लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो यहां पर आ रहा है, मतलब ड्रॉ किया परपेंडिकुलर तो फुट कहां पर आ रहा है, फुट के कोऑर्डिनेट्स वो यहां पर पहुंच गए, फिर नेक्स्ट ड्रॉ किया तो वो यहां पर आ गया। इसका मतलब जो तुम्हारा पॉइंट पी है वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये किस पाथ को फॉलो करेगा, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। ठीक है तो अब जरा सोचो कि कैसे किया जाए, क्या कंडीशन लगानी चाहिए जो हर पी के लिए वैलिड हो। पी को सबसे पहले एच कॉमा के कंसीडर कर लो और फिर ट्राई करो। भाई हमें फुट का फुट का लोकस चाहिए था तो हमने सबसे पहले उसको एच कॉमा के कंसीडर कर लिया, और हमें ये पता है कि ये लाइन और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो बस परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन, यस और नो? अगर P को मैंने इस पोजीशन पे कंसीडर किया और ये O है तो स्लोप ऑफ OP इनटू स्लोप ऑफ, अच्छा ये P ऑलरेडी कंसीडर किया इसको R ले लो, तो स्लोप ऑफ RP क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस वन, दिस इज द कंडीशन यू कैन अप्लाई एंड गेट अ रिलेशन बिटवीन H एंड K। क्यों नम्रता, अरे बोलो भाई कहाँ चले गए नम्रता तुम, तो एनीवे शायद उसमें कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। प्रथम, हाँ भाई प्रथम, यस मैम, सुन रहे हो ना? यस मैम। ओके समझ आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, अब समझ आ गया? चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना। तो देखो ये आ रहा है लोकस हमारा, फिर से एक सर्कल आ रहा है, मतलब ठीक है सर्कल वर्कल छोड़ो, लेकिन ये दिस इज द पाथ दैट दिस पॉइंट इज फॉलोइंग। ओके मैम मैंने दूसरी लाइन ले ली थी करी थी इसमें। अच्छा अच्छा इसीलिए परपेंडिकुलर वाली। अच्छा चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अभी क्वेश्चन है अ रॉड ऑफ लेंथ एल slides with its ends on two perpendicular axes, perpendicular lines लिख लो, perpendicular lines, find the locus of its midpoint। ठीक है तो एक रॉड है ऑफ लेंथ एल जो स्लाइड कर रही है अपने एंड से ऑन टू परपेंडिकुलर लाइंस, तो तुम्हें उसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है क्योंकि वो पॉइंट भी मूव करेगा जैसे जैसे रॉड स्लाइड करेगी। ठीक है यू कैन इमेजिन दैट, फाइंड इट्स लोकस। भाई देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
हमारी जो रॉड है टू परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में स्लाइड कर रही है, तो एक्सेस कोई अपनी परपेंडिकुलर लाइंस ले लो, सबसे बेस्ट तरीका है लेने का, ठीक है। अच्छा, अब इसके बीच में अगर रॉड एल है, तो रॉड एल सपोज इस सिचुएशन में है सबसे पहले, तो मिड पॉइंट उसका यहाँ पर है। अगर हमने रॉड को थोड़ा सा स्लाइड करा ऐसे, तो देखो अभी मूविंग पॉइंट जो है मिड पॉइंट यहाँ पर पहुंच गया। हमने थोड़ा सा और स्लाइड किया, इसका मतलब है अभी देखो मूविंग पॉइंट फिर कभी यहाँ पर कहीं पहुंच गया, इसका मतलब जो मिड पॉइंट है दैट इज डेफिनेटली मूविंग, ठीक है। अब ये मूविंग पॉइंट किस पाथ को फॉलो करेगा वो हमें ढूंढना था, ठीक है। तो अब किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इसको जरा देख लेते हैं। हमने ये रॉड ले ली जिसका मूविंग पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है, जिसका हमें लोकस फाइंड करना है। भाई पॉइंट तो सारे मूव कर रहे हैं इस पर जितने लाए कर रहे हैं, लेकिन एनीवे हमें इसका मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, यानी कि मिड पॉइंट को हमने ले लिया एच कॉमा के। ओके, अच्छा देखो अब है क्या कि कैन यू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, लिख सकते हैं कैसे अगर ये थोड़ी देर के लिए। हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ नहीं मैम। ठीक है, तो देखो अगर मैंने थोड़ी देर के लिए इसको x1, 0 और इसको 0, y1 ले लिया, तो h और k की हेल्प से हम x1 और y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। Why? Because this is midpoint. ठीक है, कैसे लिखोगे? सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, h की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस 0 अपॉन 2। तो यहां से देखो x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी 2, तो ये हो जाएगा 2h, यानी ये पॉइंट हमें मिल गया 2h, 0, और सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या मिल जाएगा 0, 2k। भाई अपनी मर्जी से जो भी तुम अज्यूम करोगे वो तुम्हें हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। लोकस तभी आता है जब हमारे पास रिलेशन h, k एंड गिवन क्वांटिटीज में आ जाए। ओके, अभी भी हमारे पास रिलेशन नहीं आया, अभी तो बस हमने a और b को h और k के टर्म्स में लिख दिया। अब क्या चीज है जो हमने यूज नहीं करी? रॉड की लेंथ। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये 2h, 0 पॉइंट है, इसका मतलब है ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2h के बराबर। सिमिलरली OB कितना हो जाएगा? 2k के बराबर। और रॉड की लेंथ अगर L है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के कनेक्ट कर सकते हैं तीनों को। नोन रिलेशन ढूंढना होता है, ठीक है, मतलब जो कंडीशन को सेटिस्फाई भी करे और जो तुम्हें पता हो डेफिनेटली। तो कैसे लिखेंगे? 4h² + 4k² = l², ठीक है, विच इज h² + k² = l² / 4, और h k को x y से रिप्लेस कर देंगे टू गेट द रिक्वायर्ड लोकस, x² y² = l² / 4। अचिंत क्लियर है? यस मैम। प्रथम तुम्हें गलती मिल गई अपनी प्रथम। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये देखो जो ऊपर वाला लिख रहा है वो लिख ले मैम, थोड़ा ज़ूम आउट करूं क्या? ठीक है, हाँ ठीक है। यस मैम। तो आंसर रिकॉर्डिंग ऑन है। ओहो, करते हैं साथ में। भाई देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरिएबल लाइन है जो 2,1 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, मीट्स द एक्सिस एट ए एंड बी।
मतलब 2.1 सपोज पॉइंट ये हो गया और ये हमारी वेरिएबल लाइन बन गई। अब हमें पता है कि इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमने एक पर्टिकुलर सिचुएशन ले ली, ठीक है, और हमें क्या ढूंढना है, लोकस ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी। अब बच्चों देखो 2.1 को इधर ले लो थोड़ा, सर्कम सेंटर के बारे में देखो बच्चों में हम बहुत बार अब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, मैंने बताया है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल के राइट एंगल से अगर तुम क्या करो हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लो, तो ये और ये सेम हो जाती है वैल्यूज, ठीक है, मान लो ये पॉइंट सी है, ठीक है, तो सी ओ सी बी एंड सी ए ये इक्वल हो जाते हैं और हमें ओ सी बी सी जो भी है ये तीनों इक्वल है, इस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस सी पॉइंट इज सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, और सी अगर ये मिड पॉइंट है तो हमें इसी का लोकस चाहिए, सर्कम सेंटर का लोकस चाहिए, तो कंसिडर दैट पॉइंट एज एच कॉमा के। अब देखो विद द हेल्प ऑफ फिर से सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो हम ए के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख लेंगे, देखो पिछले क्वेश्चन में अभी भी लिखे थे इट विल बी 2h, 0 और ये हो जाएगा 0.2k, ठीक है, और हमें पता है कि क्योंकि देखो इसमें अब जो कंडीशन दी हुई है, पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, हमें लेंथ ऑफ रॉड दी हुई थी, तो हमें OA एंड OB की जरूरत थी क्योंकि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सके, हमने रिलेशन निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो हमें इसी लाइन पर एक और पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ AB कैसे, विद द हेल्प ऑफ अवर इंटरसेप्ट फॉर्म, तो x अपॉन 2h प्लस y अपॉन 2k इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है, हमने लिख दी इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब ये लाइन 2.1 से पास कर रही है तो पास करा दो, 2.1 से पास कराओगे तो x की जगह 2 डालोगे, y की जगह 1 डालोगे, हमें एच के को रिलेट करना था, रिलेशन आ चुका है, बस हमें क्या करना बाकी है, एक्स वाई से रिप्लेस, और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो वो तुम्हारे श्रद्धा के ऊपर है। ये आ गया, हमने एलसीएम 2xy ले लिया, यहाँ पे 2y आ गया, यहाँ पे प्लस का x आ गया, इक्वल टू 1 आ गया, दैट मीन्स x प्लस 2y, इसे माइनस 2xy को लेफ्ट में कर लो, और प्लस का 2y इक्वल टू 0। प्रथम अब तुम देखो तुमने क्या गड़बड़ किया था। हाँ साइन की मिस्टेक थी, ठीक है, सबको क्लियर है, निमाय समझ में आ गया, हाँ निमाय, नो रिप्लाई, दीपांशु तुम बताओ, अचिंत्य मैं अप्रोच थोड़ा गलत कर दिया था, अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहे हैं क्वेश्चंस? Yes, ma'am. ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनमें से ही तुम्हें बस चेक करना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कैसा क्या यूज करें सो दैट एच और के रिलेट हो जाएं विद सम एक्स्ट्रा गिवन क्वांटिटीज, अगर इफ इट इज देयर इन द क्वेश्चन, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन बहुत आसान, अब देखते हैं कौन समझ पाएगा इसे। क्वेश्चन है अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट पी 3.4 टू मीट द एक्सिस at A and B respectively. If the rectangle OACB is completed, तो तुम्हें find करना है locus of C. Then find locus of point C. ठीक है, तो जरा चेक करो,
देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है, और क्या पूछा है, वो चेक कर लो, यही है शायद, ठीक है। एक बार देखो भाई, जिसने जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार चेक कर ले। ऑस्ट्रेलिया इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट पी विच इज 3.4 टू मीट द एक्सेस एट ए एंड बी। ओके, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो हमारी पॉइंट पी से पास हो रही है और एक्सेस को ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। इफ द रेक्टेंगल ओ ए सी बी इज कम्प्लीटेड, ओके, तो ओ ए सी बी रेक्टेंगल हमें कम्प्लीट करना है, कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास करेंगी और तुम्हें क्या चाहिए, और हर बार रेक्टेंगल का पॉइंट सी जो है वो मूव करेगा, तो ये वाला वर्टेक्स है वो मूव करेगा और इसी का लोकस तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो एक सिचुएशन हमने ये वाली कंसीडर कर ली और सी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए सबसे पहले एच कॉमा के। तो क्या कंडीशन लगानी चाहिए भाई, देखो सीधी सी बात है, अगर ये एच कॉमा के है तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो पता चल गए ना, एच कॉमा जीरो, और बी के कोऑर्डिनेट भी हम लिख सकते हैं, इट वुड बी जीरो कॉमा के क्योंकि रेक्टेंगल है, और एच कॉमा जीरो और जीरो कॉमा के से पास होने वाली लाइन हमें पता है कैसे लिखते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको 3.4 से जैसे ही पास कराओगे तुम्हें एच और के में रिलेशन मिल जाएगा, दैट मीन्स तुम्हें एक्स और वाई में रिलेशन मिल जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। जिसने ऐसे नहीं किया है वो समझ में आ गया उसको, निमय? हाँ निमय बताओ भाई, निमय तुम क्लास में भी हो, पता ही नहीं है निमय का। खुशी ऐसे किया था? नो मैम। अभी क्लियर है? यस मैम क्लियर है। कोई नहीं, देखो ये क्वेश्चंस जो लोकस वाले हैं ये थोड़ा अभी नया सा कॉन्सेप्ट है, ये हर कोनिक सेक्शन में भी और जितने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हर जगह ये साथ में चलेगा, हर जगह तुमसे लोकस पूछा जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से प्रैक्टिस हो रही है तो आगे आगे समझ में आता जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी फिर भी लग रहा है कि हाँ क्या कंडीशन लगाए, क्या कंडीशन लगाए, फिर तुम्हें दिखनी शुरू हो जाएंगी, हाँ यहाँ पर ये लगेगा, यहाँ पे ये लगना चाहिए, ठीक है। तो इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ही लास्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करो पहले। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हमारे पास एक्स वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली और एक लाइन है जो ए 7.0 एंड वाई 0.-5 से पास हो रही है, मतलब एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया 0.-5 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.0 और ये बना दी हमने लाइन, ठीक है। अच्छी नहीं बनी, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ओके। आगे देखते हैं क्या है। A variable line PQ is drawn perpendicular to AB cutting the x-axis at P and y-axis at Q. Okay, तो अब हमें एक variable line बनानी है जो इस line के perpendicular हो, ठीक है, तो बना दी। अब ये line x-axis को P पर और y-axis को Q पर intersect कर रही है, fine। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है question? If AQ and BP intersect at R, तो जरा देखो ये ए क्यू कौन सी लाइन हुई, ए क्यू इज दिस साइड, ए क्यू एंड बी पी, बी पी कहां पर है, बी पी इंटरसेक्ट एट आर, ठीक है। तो ए Q एंड बी पी दे आर इंटरसेक्टिंग एट R, तो हमने ये पॉइंट R बना लिया और हमें बस R का ही लोकस ढूंढना है, कंसीडर दैट पॉइंट इज H, K, ठीक है, ये पॉइंट P है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें रिलेशन कैसे ढूंढा जाए। बच्चों जरा ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए क्यू बी, सब लोग सब ट्रायंगल दिखाई पड़ गए सबको, ए क्यू बी ट्रायंगल है ना। इस ए क्यू बी ट्रायंगल में तुमने क्या किया है, एक तो वर्टेक्स क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन द अपोजिट साइड से, दिस इज
दिस पॉइंट इज एम, तो जो क्यू एम है वो परपेंडिकुलर है ऑन ए बी, है ना. और अगर हम वर्टेक्स ए से देखें तो वाई एक्सिस पर ये लाइन भी तो परपेंडिकुलर ही है, क्यों बच्चों? और ये तो दो एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन मिल गया पॉइंट पी. और अगर दो पॉइंट्स का, दो वर्टेसेस से अगर हमें सेम एल्टीट्यूड मतलब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि जो तीसरा होगा वो भी कहां से पास हो रहा होगा? पॉइंट पी से, क्यों बच्चों? तो ये भी परपेंडिकुलर ही होगा क्योंकि हमें पता है कि एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट. अगर दो ट्रायंगल के दो वर्टेक्स से अगर तुमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है वो एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, तो तीसरा वाला डेफिनेटली वहीं से पास होगा बिकॉज ऑल द एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. सबको याद आ गया या नहीं आ गया? Yes, ma'am. ट्रिकी क्वेश्चन है ये, और ये जेई में आया हुआ है. समझ गया प्रथम? समझ में आ गया ये चीज? Yes, ma'am. बस अब तो हमारा काम हो गया. ऑर्थो सेंटर है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन है, फाइन. अब हमें एच और के को रिलेट करना है तो क्या करा जाए? कोई भी लिख लो. से हमने लिख लेना है स्लोप ऑफ बी आर. ठीक है, स्लोप ऑफ बी आर इंटू स्लोप ऑफ ए ए आर ए क्यू. ए क्यू लिख लो, ए आर लिख लो. लाइन तो सेम ही है, स्लोप तो सेम ही होगा, और प्रोडक्ट किसके बराबर कर देंगे? माइनस वन के. हो गया है, नहीं हो गया? एच और के रिलेट हो गए. अब लिख दो जरा बी आर का स्लोप क्या हो जाएगा. ये क्या मैसेज आ रहा है? अच्छा अक्षत का आ रहा है. अक्षत एक बार चेक कर लेना. तो बी आर का स्लोप क्या हो जाएगा? के प्लस फाइव वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. एंड स्लोप ऑफ ए आर, ए आर का स्लोप क्या हो जाएगा? के माइनस जीरो अपॉन एच माइनस सेवन और इज इक्वल टू माइनस सेवन. ठीक है, अब मैं डायरेक्टली एक्स वाई से रिप्लेस भी कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा y इंटू वाई प्लस फाइव प्लस x x माइनस सेवन इक्वल टू जीरो. तो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस. खुशी क्लियर है? यस मैम. ओके, तो गाइस देखो अभी क्लास एंड करते हैं, और होमवर्क है तुम्हें, जिसने जिसने एनसीईआरटी ना कंप्लीट करी हो वो कंप्लीट कर ले. ठीक है, तुम्हारे पास अभी एक और चांस मिलेगा डाउट पूछने का. तो एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए विद ऑल एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग, प्लस वर्कशीट वन प्लस वर्कशीट टू. वर्कशीट टू मैं अभी फॉरवर्ड कर रही हूँ. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से पहले ये सारा काम हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद नो डाउट्स नथिंग. फिर तो अपना वीडियो देखो और जो करना है वो करो. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में तुम डाउट पूछ सकते हो कहीं से भी, और वर्कशीट मैं अभी फॉरवर्ड कर रही हूँ. ओके मैम, पीडीएफ भी भेजू? पीडीएफ भी भेजू. ओके चलो, ओके हाँ, बाय बाय. दूसरी वर्कशीट में कितने क्वेश्चन है? चेक कर लेना, ऐसे ही होंगे, मेरे को याद नहीं, 20-25 होंगे उसमें भी. ठीक है, ठीक है मैम.